हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुनील अडवाणी। सो आज हम लोग बात करेंगे स्टैडर नेक्सॉन के बारे में, जो इंडिया टॉप सेलिंग मस्कुलर एसयूवी कार। एंड आज आप सभी के सामने यहां पे खड़े हुए नेक्सॉन का सेकंड बेस प्योर वेरिएंट। ये भाई साहब प्योर का देख रहे हैं ना, बड़े सा ग्रे कलर जो आपको इसी वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है। अगर आप फ्रेंड्स में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको डेटोना ग्रे कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि देख रहे हैं सफारी वाला। बट ये वाला स्पेशली इसका हीरो कलर रहने वाला है इस प्योर वेरिएंट का। इसके साथ अगर आप क्रेटिव में जाते तो वहाँ पे आपको ओशन ब्लू कलर मिलेगा हीरो कलर। एंड टॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फेडलेस पर्पल कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो भाई सब पहले वाली नेक्सॉन से आपको यहाँ पे पूरा फीचरिस्टिक लुक्स इसी के साथ बेहतरीन से आपको मिलेंगे यहाँ पे काफी सारे फीचर्स। प्राइस रेंज की बात कर ली जाए अगर इस कार की, तो 8,10,000 से इसका एक्स रूम बेस मॉडल स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसका टॉप मॉडल भी जाएगा समथिंग 17 लाख के आसपास तक ऑन रोड लखनऊ। अभी आप इस कार का कॉम्पिटिशन चाहिए जिस कार से कराइए इस सेगमेंट की, चाहे ब्रेजा उठाइए, हुंडई वेन्यू उठाइए, किया सोनेट उठाइए, सभी को देगी भाई सब तगड़ी सी टक्कर। रीजन क्या, पूरा यहाँ पे देख लेना फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे इसके लुक्स एंड 5 स्टार की मिलती है आपको उसमें बेहतरीन सी सेफ्टी रेटिंग। की बात करें तो इस वेरिएंट के साथ इस तरह यहाँ पे आपको कुछ ये फ्लिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की मिलेगी, जहाँ पे लॉक अनलॉक फॉलो में हेडलाइट्स पीछे रहेगा टाटा का लोगो, और दूसरी यहाँ पे नॉर्मल आपको की दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। पहले यहाँ पे देखेंगे तो रहेगा टाटा का लोगो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, यहाँ पे इसकी पूरी फ्रंट ग्रिल। देन जब आते हैं साइड में, यहाँ पे इसका डुअल फंक्शनल DRL देखने को मिलेंगे, जो DRL एंड इंडिकेटर एज अ दोनों वर्क करेंगे साथ में। नीचे आते तो यहाँ पे आपको उसमें ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का पूरा सेटअप दिया गया है। फॉग लैंप्स वगैरह नहीं रहेंगे, चाहे तो एज एक्सेसरीज यहाँ पे बाद में लगवा सकते हैं। लोअर ग्रिल वगैरह पूरी यहाँ पे ब्लैकआउट रहने वाली है। टॉप मॉडल में जाएंगे तो बड़े सा 360 डिग्री कैमरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे देखेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पर रहने वाला है इस कार का, और नीचे जाएंगे तो इस तरह पूरा आपको देखने को मिलता है इस कार का फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस कार में मिलने वाले 208 मिलीमीटर। आपने देखा यहाँ पे इस गाड़ी की पूरी फ्रंट प्रोफाइल। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिली जा रहे सेकंड बेस मॉडल से। यहाँ पे जाएंगे तो रहेंगे इसके रेन सेंसिंग वाइपर्स। इसी के साथ अंदर तो भाई साहब आपको इसमें 6 एयरबैग्स मिली जा रहे हैं। और ये देखिए भाई साहब, इसका ये सेकंड बेस मॉडल प्योर, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इस करेंगे आउटसाइड मिरर्स। एंड इसी में आपको यहाँ पे देखेंगे तो इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ए पिलर वगैरह पूरा देखेंगे ब्लैक आउट। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर रूफ रेल्स। अगर आप जाते हैं प्योर एस के साथ तो वहाँ पे भाई साहब आपको उसमें सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। चलिए ये सब आपने देख लिया, बाकी यहाँ पे आते हैं तो आपको दिए गए बड़े से 16 इंचेस के यहाँ पे स्टील लिम व्हील कवर्स वगैरह भी रहने वाले इसमें देख सकते हैं। टायर प्रोफाइल की बात कर लें तो कहाँ गया भाई साहब इसका सेक्शन, ये रहा 195/16 R 16 इंच के यहाँ पे आपको उसमें रेडल के टायर देखने को मिल जाएंगे। इतना कुछ ट्रेवल रहता है ब्लैक कलर के देखेंगे यहाँ पे पूरी क्लाइडिंग, वही क्लाइडिंग देखते हैं तो यहाँ पे डोर्स में भी आपको देखने को मिलेगी। नीचे तो रहती बॉडी वाली, डोर्स में भी आपको मिल जाएगी क्लाइडिंग। बाकी अंदर की बात की जाए इसमें गाड़ी अनलॉक, सबसे पहले इसको करते हैं अनलॉक। और यहाँ पे हैंडल्स वगैरह आपको दिए जा रहे हैं मैट ब्लैक फिनिश में। ये भाई साहब डैशबोर्ड सेकंड बेस मॉडल है, यहाँ पे देख रहे हैं ना बड़े से टच स्क्रीन हो गई, इसी के साथ साथ 6 एयरबैग्स हो गए। एंड ये देखिए भाई साहब टच पैनल वाला पूरा आपको यहाँ पे मिल रहा है इसका क्लाइमेट कंट्रोल। तो अभी भाई साहब क्या ही कहना इस गाड़ी का, स्टीयरिंग देख लेगी भाई 2 स्कोप इलिमिनेटेड लोगो वाली। अंदर जब भी बैठेंगे तब आपको दिखाएंगे डिटेल में। बी पिलर्स वगैरह भी यहाँ पे देख रहे हैं पूरा आपको दिए जा रहे हैं ब्लैकआउट। यहाँ पे सेलिब्रेशन वाला टैग, जैसा कि जानते ना 25 साल में 50 लाख कार यहाँ पे सेल आउट हो जाएगी टाटा की, तो वो उसका यहाँ पे आपको बैच देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ आएंगे, ये रहने वाली यहाँ पे बेहतरीन से फ्यूचरिस्टिक पूरी यहाँ पे इसका रियर प्रोफाइल। कनेक्टेड भाई साहब आपको इसमें मिलते हैं टेल लैंप्स, ये देखिए ये तो एकदम भाई साहब ट्रेंड में चल रहा है बैकलाइट्स वाला। एंड यहाँ पे आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, आगे डिस्क ब्रेक्स रहेंगे इस गाड़ी के साथ। बाकी बैक से और देखते हैं क्या कुछ रहेगा इस कार में। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो वही टाटा का लोगो। एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलेगा, टच स्क्रीन तो ऑफर की जा रही बट कैमरा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आते हैं तो वही नेक्सॉन की बैजिंग, ये इसकी कनेक्टेड यहाँ पे पूरी टेल लैंप्स। लेकिन ऑन भाई साहब सिर्फ इतना पार्ट होता है, जैसे ऑन अभी करेंगे ना ये देखिए अपर वेंट्स में पूरा कनेक्टेड वाला है, इस में सिर्फ इतना ही ऑन होगा इसकी लाइट्स। इंडिकेटर्स वगैरह अगर देखेंगे तो भी आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको डिफॉगर या रियर वाइपर देखने को नहीं मिलेगा, ये दोनों चीज़ यहाँ पे मिसिंग रहेंगी इस प्योर वेरिएंट के साथ। यहाँ पे होगा स्पॉइलर। ऊपर जाएंगे, ऊपर देखते तो यहाँ पे इसका शाफ्ट एंटीना, उधर रहेगी इसकी रूफ रेल्स। तो ये आपने बैक से देख लिया, 2 यहाँ पे अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर, सेम बॉडी कलर इसका बंपर। बॉडी के पास आप डुअल टोन में यहाँ पे देख रहे ना, वही आपको प्योर ग्रे कलर का भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसमें पूरा शेड। नीचे का ऐसा कुछ यहाँ पे रहेगा इसका पूरा रियर सस्पेंशन सेटअप। इधर रहेगी इसकी एग्जॉस्ट पाइप, तो नीचे एक बार देख लीजिए। तो अभी आप चलेंगे इसके बूट स्पेस की तरफ। तो भाई साहब यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा इसको खोलने का, खोलने के लिए आपको जाना पड़ेगा गाड़ी के अंदर। तो अंदर यहाँ पे आपको स्विच दिया गया है, भाई साहब लॉक हो जा रही बार बार, तो अंदर से ही आपको खोलना पड़ेगा अपने बूट गेट को। ये रहा भाई साहब स्विच, ये मैंने प्रेस किया, वो हो गया आपका अनलॉक। चलिए देखते हैं कैसा कुछ रहने वाला है यहाँ पे।
तो आपको इस कार में वही मिलने वाला है बड़े सा 382 लीटर का बूट स्पेस, यानी कि 382 लीटर का। पहले वाली नेक्सॉन से आपको 32 लीटर यानी कि 32 लीटर बूट स्पेस आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। पार्सल ट्रे वगैरह नहीं है, ये आपको वादी में लगवानी पड़ेगी। यहाँ पर रहेगा 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट। बाकी स्पेस वगैरह बढ़िया सा रहने वाले इस गाड़ी के हिसाब से। नीचे यहाँ पे इसके स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा नॉर्मल स्टील लिम। साइज़ देखते हो तो भाई साहब सेम साइज मिलेगा, कोई भी यहाँ पे आपको उसमें कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलेगी। सीट हालांकि पूरी 100% फोल्डेबल रहेगी, बट ये देख रहे ना एडजस्टेबल आपको पीछे वाले मिल जाते हैं दोनों हेड रेस्ट। चलिए इसको यहाँ पे बंद करते हैं, फिर चलेंगे कार के अंदर। तो अंदर चलने से पहले भाई साहब ये भी तो देख लीजिए, यहाँ पर रहेगा इसका फ्यूल फिलर कैप। 44 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है स्टाडा नेक्सॉन की। बाकी साइड प्रोफाइल ये रहने वाली है। कलर ऑप्शन ये आपका देख रहे हैं प्योर में हीरो कलर, आपको ये वाला ग्रे मिलेगा, वैसे आपको डायटोना ग्रे मिलता है। इसके अलावा व्हाइट, रेड एंड टॉप में जाएंगे तो फेडलेस पर्पल, एंड क्रिएटिव में जाते हैं तो वहाँ पे क्रिएटिव ऑप्शन जैसे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इस कार में। एंड वारंटी आपको इस कार में मिल जाती है 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की, जिसको चाहें तो आगे भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं। तो ऐसी कुछ थी साइड प्रोफाइल वगैरह, अभी चलते हैं इसके सेकंड वाली रो पे बैठ के देखते हैं। डोर वगैरह देखेंगे पूरा डुअल टोन में दिया गया, हैंडल पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में हो गया इसका डोर ओपनर और विंडो का कंट्रोल। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे स्पीकर्स बॉटल होल्डर देखने को मिलता है इनकी डोर्स में। सीट्स वगैरह सारी यहाँ पे फैब्रिक की रहेंगी। यहाँ पे देखेंगे तो चाइल्ड सीट माउंट्स। अभी आइए बैठते गाड़ी के अंदर। ये रहेगा आगे का बड़े सा पूरा डैशबोर्ड का व्यू, टच स्क्रीन वगैरह हो गई, यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, नए वाला स्टीयरिंग व्हील, बट यहाँ पे सनरूफ नहीं है। तो भाई साहब कुछ नहीं आपको करना है, अगर आप 60 से 70 हज़ार बजट बढ़ाते हैं, थोड़ा अगर इसका बजट बढ़ाएंगे ना प्योर के बाद, जैसे प्योर एस में गए तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, यहाँ पे सनरूफ भी ऐड हो जाएगी इस कार में। रियर पैसेंजर के लिए यहाँ पे देखेंगे इवेंट्स वगैरह, कोई भी चार्जिंग आउटलेट वगैरह आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेग रूम न्यू रूम एकदम बेहतरीन सा मिलने वाला है आपको इस कार में। थाई सपोर्ट भी देख रहे हैं ना, एकदम कंफर्टेबल हो गए भैया, दो लोग बैठ जाएंगे। हेडरेस्ट वगैरह यहाँ पे एडजस्टेबल हो गए, बाकी आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं रहेगा इस वेरिएंट के साथ। ये सीट बेल्ट्स के पॉइंट्स तीन भाई साहब पॉइंट्स आपको मिलेंगे सीट बेल्ट्स के। एयरबैग्स की ब्रांडिंग देखिए भाई साहब क्या आई गजब की, 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे इसके बेसिक मॉडल से। तो भाई साहब अगर आप बेस मॉडल में भी जाते हैं तो आपको 6 एयरबैग्स, बड़े सा नए वाला इल्यूमिनेटेड वाला स्टीयरिंग व्हील, इसके साथ LED हेडलाइट्स, मतलब बेहतरीन से फीचर्स मिलेंगे अभी आपको इसके बेसिक मॉडल से इस कार में। ये भाई साहब इसकी सीट बेल्ट हो गई, तो ये तो फिक्स ही है, हुक वगैरह भी दिया गया है। तो चलिए अभी निकलते बाहर, फिर चलेंगे ड्राइवर साइड की तरफ। यहाँ पे देखेंगे डोर्स में रहने वाला चाइल्ड लॉक्स वगैरह, तो इधर से आपने देख लिया, अब आते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। यहाँ से पूरा इसको प्रॉपर कवर करते देखते क्या आपको दिया गया इस कार में। क्या आई थिंक मैंने आपको दिखाई दी, ये यहाँ पे रहेगी इसकी फ्लिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की। बाकी अभी चलते हैं अंदर। डोर ट्रिम अगेन पूरी यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डुअल टोन में, डैशबोर्ड का पूरा यहाँ पे व्यू, चारों यहाँ पे रहेंगे इसमें पावर विंडोज के कंट्रोल, डोर ओपनर हो गया, हैंडल हो गया, नीचे स्पीकर्स बॉटल होल्डर अम्ब्रेला होल्डर्स मिल जाता है इनकी डोर्स में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेजिटेबल आपको मिलेंगे इसके आउटसाइड मिरर्स। सीट्स वगैरह पे सारी फैब्रिक की रहेंगी, टॉप मॉडल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लेदर की वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाएंगी। सीट रिक्लाइन का सिर्फ आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, हाइट एडजस्टमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। नीचे यहाँ पे इसका फ्यूल लीड ओपनर, ये रहेंगे इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के ABC पैडल्स। आगे का बोनट खोलने का लीवर यहाँ पर रहने वाला है, तो आइए अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले लगाते हैं की को। तो वाइज ये रहने वाला है इस यहाँ पे प्योर रेंट के अंदर का पूरा डैशबोर्ड। तो सबसे पहला काम ऑन करेंगे इसका इग्निशन। ये देखिए पूरा डिजिटल बड़े सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये नया वाला इल्यूमिनेटेड यहाँ पे रहेगा स्टीयरिंग व्हील, जिसमें टाटा का लोगो यहाँ पे बड़ा सा आपको दिखेगा। बाकी टू स्कोप है तो भैया थोड़ा आपको अच्छा सा फील आने वाला है पहले से। इधर जाएंगे तो टेलीफोनिक इन्फोटेनमेंट के पहेंगे सारे कंट्रोल्स, MID के कंट्रोल्स इस साइड यहाँ पे दिए गए हैं। एडजस्टमेंट की अगर बात कर ले इसके तो वो भी जरा चेक करते हैं। ये भाई साहब आपको टिल्ट एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को मिल जाती है इसकी स्टीयरिंग। चलिए देन यहाँ पे आते हैं तो इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो दिए गए उसके यहाँ पर रहेंगे सारे कंट्रोल्स। इधर जाएंगे तो यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स। तो भाई साहब सेकंड बेस मॉडल से ही देख रहे हैं ना, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, काफी सारी चीजें। बाकी क्लस्टर देखेंगे इधर RPM मीटर, इधर जाते हैं तो नीचे फ्यूल गेज वाले बार्स, ऊपर टेम्परेचर वाले बार्स मिलेंगे। इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी इसके MID स्क्रीन में, उसको देखना है तो बस प्रेस करते जाइए। ट्रिप पे, ट्रिप बी, एवरेज वगैरह, ODA वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अभी आते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ। ये बड़े सा इसका व्यू, यहाँ पे वही 7 इंचेस वाली रहेगी इसकी टच स्क्रीन कनेक्टिविटी, वही आपको एंड्रॉइड ऑटो कार पे USB ऑक्स वाली देखने को मिल जाती है। बाकी इस तरह पूरा इसका इंटरफेस, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इसके साथ मिलेगा नहीं, तो जैसे आप पार्क असिस्ट पे क्लिक करते तो भाई साहब सेंसर वाली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आते तो यहाँ पे इवेंट्स वगैरह होगा, ये पूरा टच पैनल वाला इसका क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ से अपना टेम्परेचर वगैरह सेट कर लीजिए। बाकी यहाँ पे फैन स्पीड वगैरह घटा बढ़ा लीजिए, बूट वगैरह अनलॉक करने का, हैजलाइट का स्विच, लॉक अनलॉक बटन, ये सारे आपको दिए गए पूरे टच वाले। नीचे जाते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट एंड एक रहेगा टाइप पे USB का पोर्ट। बाकी इसका 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, एंड चाहे तो इसका ऑटोमेटिक में भी जा सकते हैं। यहाँ पे 3 ड्राइव मोड, सिटी, इको, स्पोर्ट्स, 2 यहाँ पे क्लास होल्डर्स, पीछे भी बढ़िया दिया गया स्पेस। यहाँ पे हो गई इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक, इधर का डोर ट्रिम, एंड इधर जाते ना तो भाई साहब ये फिनिश देखिए, पहले आपको नहीं मिलती थी, अभी थोड़ा टेक्सचर यहाँ पे बढ़िया बना दिया है।
ग्लव बॉक्स को आइए देखते हैं भैया क्या कुछ दिया गया है। तो काफ़ी डीप स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड इसमें बड़े से अपना पूरा सामान रख लीजिए, दो ग्लास होल्डर्स भी यहाँ पे रहने वाले, यहाँ पे लगाइए अपने डॉक्यूमेंट्स। बंद करते हैं, बाकी ऊपर जाएंगे तो एयरबैग्स की अगेन वही सारी ब्रांडिंग मिलती है, 6 एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे इसके बेसिक मॉडल से। ऊपर जाते हैं नॉर्मल वही IRVM, यहाँ पे रूफ लाइट बढ़िया वाइट LED वाली, बाकी यहाँ पे माइक वगैरह रहेगा एंड कोप्स इनसाइड वाला एयरबैग ऑन के ऑफ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इधर जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसमें रहेगा टिकट होल्डर, इधर यहाँ पे वैनिटी मिरर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था भाई साहब टाटा नेक्सॉन के यहाँ पे सेकंड बेस प्योर वेरिएंट के अंदर का पूरा डैशबोर्ड जो आपने देखा, एकदम बढ़िया सा वैल्यू फॉर मनी आपको वेरिएंट मिलने वाला है इस कार का। यहाँ पे भाई साहब जो भी जित के फीचर्स है वो सारे आपको ऑफर किए जाएंगे इस वेरिएंट के साथ। तो चलिए अभी निकलते हैं गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इस कार के इंजन स्पेक प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो ये था गाइस इस कार के अंदर के यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड, डोर को अभी करते हैं बंद फिर बात करते हैं इस गाड़ी के हम लोग इंजन स्पेक के बारे में। सो ये आप इसका देख रहे हैं 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवटॉन पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 118 bhp की पावर एंड 170 nm का पे टॉक मिल जाएगा, समथिंग वही 20 kmpl का माइलेज इस न्यू टाटा नेक्सॉन के साथ। बाकी चाहें तो आप इसके 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, जिसमें आपको वही मिलेगी 110 bhp की पावर, समथिंग वही 260 nm का टॉक एंड वही 23-24 kmpl का माइलेज इस कार के साथ। प्राइसिंग की बात कर ली जाए अगर इस प्योर रेंट की, तो आपको पड़ेगा 9,70,100 रूम एंड 10,97,000 के आसपास जाएगी ऑन रोड लखनऊ। तो यही था आज का हमारा वीडियो स्टार, तो यही था आज का हमारा वीडियो सोनी टाटा नेक्सॉन के प्योर रेंट पे। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इसके अलावा अगर आपको उसके टॉप मॉडल फेयरलेस या लोअर स्मार्ट किसी भी रेंट का वीडियो देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस कार पे, अगर आज का हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनी फिर मिलता हूं आपको किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।